जालौर में चल रहे 3 दिवसीय जालौर महोत्सव का बुधवार रात को समापन हो गया। 3 दिवसीय जालौर महोत्सव बड़ी धूमधाम से समापन समारोह रखा गया। जिला प्रशासन और जालौर विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय जालौर महोत्सव का अंतिम दिन की रात को कई कवियों ने व्यंगों की बौछार पर लोगों को देर रात्रि तक खूब ठहाके लगाए और खूब हंसाया। जी हाँ, आपको पता होगा कि जालौर में जालौर महोत्सव एक राजस्थान और जालौर की शान मानी जाती है। जालौर का 9वां जालौर महोत्सव 15 फरवरी से शुरू हुआ था, जो कि 17 फरवरी तक चल रहा था। स्टेडियम ग्राउंड पर ये समारोह रखा गया था, जिसमें कई अतिथिगण पधारे थे और जालौर के कई प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया था, जो कि कई अव्वल रहे और जालौर जिले का नाम रोशन किया। जालौर जिले के ग्राउंड में अभी भी महोत्सव भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन अभी भी वहाँ पर मेले का आयोजन है। वहाँ पर जाकर आप मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे भी काफ़ी लोगों की बारी भीड़ उमड़ रही है, खासकर रात्रि के समय में काफ़ी लोग दूर दूर से मेला देखने के लिए पहुँच रहे हैं। 21 फरवरी तक ये मेला रहेगा, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास मौके हैं, आप जाकर वहाँ कर अच्छी चीज़ देख सकते हैं और अपने साथ कुछ खरीद भी सकते हैं। जालौर महोत्सव के 3रे दिन बुधवार देर रात जालौर महोत्सव 2021 का समापन एवं पर्यावरण वन मंत्री सुक्रा विष्णोई के मुख्य अतिथि में समापन हो गया। बुधवार की रात को स्टेडियम के ग्राउंड में खुले मंच पर विराट राष्ट्रीय कवि का सम्मेलन हुआ था। कवि सम्मेलन का आगाज इंदौर की गीत गजल व शंकरा की कवियत्री शबाना शबनम के शब्द है मेरे अर्चना के लिए सरस्वती वंदना से शुरू की। इसके बाद महाराणा प्रताप वीर रस की कविता उनके तलवारों पे शत्रु लहू लगाना याद रही सुनाकर खूब तालियां बटोरी। ये हमेशा याद करने वाला जालौर महोत्सव साल में सिर्फ एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें जालौर पूरे वासी इसमें भाग लेते हैं और दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इस मौके पर जालौर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रघुनाथ, कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग, SP श्याम सिंह, SJM प्रथम सत्य प्रकाश सोटीला, ADM सगनलाल गोयल, प्रतीक्षु IAS गिरधर बैनीवाल, SDM जालौर संपालाल जिनगर, सभापति गोविंद टाक, जालौर विकास समिति के महासचिव मोहन पारसर एवं हितेश प्रजापति कई जने मौजूद थे। कि जालौर महोत्सव में काफ़ी प्रतियोगिता ने भाग लिया, जिसमें जालौर जिले का नाम रोशन किया है। आप भी अगर आपके पास भी कोई हुनर है तो आप जालौर महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसमें आप अपने हुनर की प्रतियोगिता में खेल सकते हैं और अपने ज़िले, अपने माँ बाप और अपने परिवार और ज़िले और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और आपको आगे जाने के लिए एक विकल्प है आपके पास में, एक प्लेटफॉर्म है कि जालौर महोत्सव में जाकर आप कुछ करें। आपके पास जो आपके पास है आप दिखाने के लिए आप वहाँ पर जाए और दिखाए लोगों को, इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छी पहल है जालौर प्रशासन की कि आप ऐसे महोत्सव का आयोजन करते हैं जिसमें छोटे से बड़े लगाकर सब जने भाग लेते हैं और उसमें बड़ी प्रतियोगिता होती है, जिसमें लोग कई अवार्ड जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक प्रेरणा होती है उनकी जालौर महोत्सव की। तो अगर आप जालौर महोत्सव में अभी तक नहीं गए हैं तो एक बार जाकर जरूर इसमें भाग लीजिएगा। 2021 का समापन समारोह हो गया है, 2022 के लिए तैयार हो जाइए अभी।